गाइस वेलकम बैक टू अवर चैनल ज्योति उपाध्याय शंकर। कैसे हो आप सब? आज है 2nd of April और आज है सैटरडे और कल है संडे 3rd of April। सो कल है मेरी बेटी का 3rd month बर्थडे। कल मेरी बेटी पूरे 3 महीने की हो जाएंगी। तो आज का ब्लॉग मैं शूट कर रही हूँ क्योंकि मुझे जस्ट अभी पता चला है कि इनके पापा आ रहे हैं इन्हें सरप्राइज़ देने के लिए। बट उनका सरप्राइज ऐसा सच में पहली बार लग चुका है। उनने मम्मा को बोला था कि बताना मत, बट मम्मी के पेट में नहीं रुका तो हमें पता चल गया। मैं अच्छा गया, मैं ब्लॉग स्टार्ट कर देती हूँ। आफ्टरऑल बेटी का बर्थडे है और बेटी इतनी दूर है पापा से, तो पापा को तो आना ही था, लाइक उनको रहा नहीं गया। प्लस सेकंड उनका बेबी को कल थोड़ी सी तबियत खराब हो गई थी, लूज मोशन टाइप्स। ब्लॉग आ चुका होगा तो आप देख ही चुके होंगे। तो इसी वजह से फिर वो सोच रहे थे कि वैसे तो कल ही आने वाले थे, जहाँ तक मुझे पता चला है। अभी वो बता नहीं रहे थे, बट पापा मम्मी से मेरी बात हुई थी, पापा मम्मी बता रहे थे कि वो कल ही आने वाले थे। बट कल उनको कुछ काम आ गया, उनके फोन में कुछ प्रॉब्लम हो गई थी इस वजह से तो कल नहीं आए। फिर वो आज आ रहे हैं। फिर कल बेटी का बर्थडे भी है तो कल हम बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे क्योंकि नानी घर पर उनका 3rd month बर्थडे सेलिब्रेट होगा। यूहू। ये तो मेरा पापा आ गया। क्या हो गया मेरे बाबू? क्या हो गया मेरे बाबू? बेटू कौन आया है? बाबू को क्या हो गया? बाबू को मेरे क्या हो गया? क्या हो गया मेरे बाबू को? बाबू को क्या हो गया? तुम्हारे मेरा बाबू तुम्हें अच्छा नहीं लगा? नानी का बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। बताओ यार, मछली कटवा रही है, तबीयत खराब कर रही है, तो हमारे साथ चलना यार। मम्मा वही रहे हाँ, हम ले चले बाबू को, अपने बाबू ले चले। दुखी हो कह रही है, समझ नहीं पा रही। जा कहाँ से गए एकदम से? इतने दिनों से कहाँ थे? देखो है, हाँ पहचान रही है यार। इनको घूमना बहुत पसंद है। वहाँ पे ये इनके पापा दादी के साथ घूमती थी, पापा के साथ घूमती थी घर के बाहर। तो अब यहाँ पे भी इनके पापा बोले इनको अच्छा नहीं लग रहा है घर के बाहर, इनको ले चलते हैं घुमाने के लिए। तो फिर ये इनको टहला रहे थे बाहर। हे गाइस, रात के 12 बज रहा है, सब लोग सो चुके हैं, मैं भी सोने ही जा रही हूँ क्योंकि सुबह जल्दी उठना है। कल मेरी मम्मी पिन नहीं कर रही हैं क्योंकि मम्मी बोली की बेटी आई हुई है तो इस बहाने हो भी जाएंगी। नवरात्र चल रहे हैं, नवरात्र बहुत अच्छे दिन चल रहे हैं तो पिन्नी भी हो जाएगी इसी बहाने। सब लोग सो गए थे, बस मैं आई हूँ बेटू की बॉटल बॉयल करने के लिए और मैंने ऑनलाइन कुछ मंगाया अपने बेटों के लिए, तो वो अपकमिंग वीडियोज़ में मैं आपके साथ शेयर करूँगी। जैसे ही मेरा डिलीवर हो जाएगा, मे बी 8 अप्रैल दिखा रहा है, 8 अप्रैल या 7 अप्रैल तक आ जाएगा वो, तो मैं आप लोगों को डेफिनेटली शेयर करूँगी मैंने बेटों के लिए क्या क्या मंगाया ऑनलाइन रिगार्डिंग ओनियन ओली फीडिंग से रिलेटेड मटीरियल मंगाया, फीडिंग से रिलेटेड। तो वो सब मैं आपको दिखाऊंगी कल का व्लॉग, मैं अब कल शुरू करूंगी। ओके, बाय बाय, गुड नाइट, सुबह मिलती हूँ। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। सो हम सब लोग उठ चुके हैं, सो के सबकी चाय चल रही है, मैं तो अभी पिन नहीं करनी है मेरे को, तो मैंने चाय भी नहीं पिया और फिर मेरी दवाई भी चल रही है थायराइड वाली, तो मुझे खाली पेट में दवाई भी खानी होती है। तो उस वजह से अभी जस्ट जो भाभी जी हैं वो घर में थोड़ा पूछा करने आती हैं, हमारी मेड वो काम कर रही हैं, तो इस वजह से फिर अभी वो कर रही हैं झाड़ू पोछा। जब वो कर लेंगी, जब सब सूख जाएगा तब मैं नहाने जाऊंगी। फिर सुबह लेट हो रहा है, 7:30 बज गया है, मैं उठ गई थी सुबह 4 बजे, फिर दोबारा सो गई बेटू को फिट करवा के, अभी उठी हूँ फिर 7:45 पे। ये देखो सबकी बातें चल रही हैं, ये देखो बातें चल रही हैं सबकी। मैं तो अपने मामा से बातें कर ली है। हाँ खुल गया, ए भगवान। नहीं सीधा नहीं, नहीं बच्चों का अलग हिसाब किताब होता है यार। हाँ पहले से सर सर। हे गाइस, मैं बिल्कुल रेडी हो गई हूँ नहा धो के, और ये देखिए मेरी बेटू भी एकदम रेडी हो गई हैं, सब लोग रेडी हो गए हैं, बच्चा भी रेडी हो गया है, पिन्नी की पूरी तैयारियाँ हैं। बस अब जो जितनी भी लेडीज़ हैं वो लोग आ रही हैं, फिर वो आ जाएंगी तो पिन्नी स्टार्ट हो जाएगी। साड़ी मैंने मम्मी की पहनी है,
और यू वॉन्ट बिलीव गाइज, मैं इतनी मोटी हो गई हूँ, अब इतनी मोटी हो गई हूँ कि मेरी मम्मी का ब्लाउज मेरे एकदम फिट आ रहा है, एकदम फिट। ये ब्लाउज मम्मी का है, ये साड़ी मम्मी की है, सब कुछ मम्मी का ही है, क्योंकि मुझे पता ही नहीं था कि मम्मी पिन नहीं करेंगे तो मैं ले आती, वरना मैं लेके ही नहीं आई थी। वेल मैं इंस्टाग्राम पर रील्स बनाऊंगी पिनी होने के बाद बहुत सारी इस लुक में, तो आप इंस्टाग्राम पर चेकआउट कर लेना, ये मेरा लिंक है, यहाँ पे मैं डाल दूँगी इंस्टाग्राम का हैंडल, तो वो देख लीजिएगा। बाल अभी गिरे हैं तो मैंने जैसे दूस बांध दी है, जो सब लोग आने वाले हैं तो ये स्टार्ट हो जाएगी। सब लोग आने ही वाले थे, तो सबके आने से पहले जो तैयारियाँ होती हैं पिनी करने से पहले, वो करने के लिए फिर यहाँ पर स्टार्टअप किया जा रहा है। मेरे हबी जा रहे थे अपने फ्रेंड के यहाँ और घूमने के लिए बोले, तो हम लोग पिनी के वक्त हम घूम के आते हैं, और ये मेरी मामी हैं यहाँ पे रहती हैं, तो मामी और मैं उनके पिनी की तैयारियाँ कर रहे थे। सबसे पहले माता के महावर लगाते हैं, आलता लगाते हैं पैरों में, और फिर माता के आलता लगाने के बाद जो कन्या हैं उनको लगाते हैं, माता को हार वगैरह पहनाया। उसके बाद सारी सुहागिनें जितनी भी आई थी, वो सारी सुहागिनें अपने खुद के महावर लगाती हैं, पैरों में आलता लगाती हैं। पिन्नी का बहुत बड़ा महत्व होता है गाइज़। ये जो पिन्नी है वो संगता माता की पिन्नी की थी मम्मी ने, अगर आप लोग जानते हो कि संगता माता की पिन्नी के बारे में, तो वो है, मैं मम्मी कथा पढ़ रही हूँ। उसके बाद प्रसाद जो भी था वो सब में बढ़ता है, कन्याओं को दिया जाता है, उसके बाद सुहागनों को दिया जाता है, और इसमें प्रसाद खाते वक्त बिल्कुल भी बोलना नहीं चाहिए, बिल्कुल भी बोलना नहीं आएगा, बिल्कुल चुपचाप बोल कहकर प्रसाद खाया जाता है। और उसके बाद फिर हमने सुहाग लिया, प्रसाद खाने के बाद माता का सुहाग लेते हैं। उसके बाद जब घर पर जाती हैं सारी फीमेल्स, तो उनको खाली हाथ नहीं भेजते हैं, सारा प्रसाद सबको दिया जाता है, और साथ ही साथ में सुहाग का सामान भी दिया जाता है, और बिंदी माथे पर लगाई जाती है। तो मैं सबकी बिंदी लगा रही हूँ, सबको सुहाग का सामान दिया और प्रसाद दिया, फिर सब अपने अपने घर चले गए थे। इस तरह से बहुत ही अच्छे से पिन्नी हो गई हमारी। पिन्नी होने के बाद मम्मी सबके लिए चाय बना कर ले आई थी, सबने चाय नाश्ता करा, जितने भी लोग आए थे सबने। हाँ हमारी कन्या के पैर छुओ भैया, आपके यहाँ जमाई के पैर छूते हैं? हाँ हमारे यहाँ छूते हैं, जमाई के पैर छूते हैं। मैंने वीडियोस में देखा, जमाई आया और ससुराल में सबके पैर छुए। बिहार से, आप बिहार से हो क्या? हमारे यहाँ जमाई आके छूता है, कायदा यही है। सर बताओ तो कायदा क्या है, क्योंकि हमारी बेटी हमने उनको दिया तो उनको ही पैर छूने चाहिए, पैर छूने चाहिए, लेकिन अपने यहाँ जाते अगर दमाद के पैर नहीं छुए तो दमाद का मुंह बोल। और पता है और एक बात और भी है, ये सास वो तो माँ समान होगी, माँ अपने बच्चे के पास हो रही है। बताओ हमारे दमाद सबके बच्चे गए अपने हमारे मामी, देखो टाइम से निपटा दिया मैंने आपको, फ्री कर दिया आपको। बाय मामी, बाय भाभी। सिंगार का जो पूरा सेट आता है ना बंधा हुआ पाउच में, जिसमें सारा चीजें होती हैं, सिंदूर बिंदी लिपस्टिक काजल वगैरह, वो पूरे पूरे पाउच आते हैं इस टाइप के, मैं दिखा देती हूँ। तो ये पाउचेस हमने बांटे हैं सारी फीमेल्स को, और प्रसाद दिया ये पाउच, तो सारी फीमेल्स को। वैसे सब लोग जाती हैं जब पिन्नी करके, सबको एक बिंदी देनी होती है, कंपल्सरी होता है बिंदी और सिंदूर। तो फिर मम्मी बोली बिंदी सिंदूर क्या ही देंगे, पूरा पूरा पैकेट मंगा ले रहे हैं, तो मम्मी ने फिर ये पूरा पूरा पैकेट मंगा के सारी फीमेल्स को दिया जब जाते हैं तो सिंगार का, और बहुत ही अच्छे से हो गए पिन्नी। फिर सारी फीमेल्स को चाय नाश्ता करवाया। हाँ बस मैं व्लॉगिंग करूँ तो इनकी नजरें ऐसी मेरे फोन में, वो उधर लेटी है मुँह करके, लेकिन इनकी नजरें सिर्फ फोन में रहती हैं। देखिए आप लोग बस इन्हें फोन चाहिए, व्लॉगिंग करेंगी मम्मा के साथ। सो मेरी मम्मा गेस व्हाट कहाँ गई हैं, मेरी मम्मा गई हैं, आज बेटू का बर्थडे है, तो बर्थडे सेलिब्रेशन के लिए जो आस पड़ोस में छोटे छोटे बच्चे हैं उनको कहने गई हैं कि बेटू का बर्थडे हम सेलिब्रेट करेंगे, तो बच्चों को बुलाएंगे, और सब बच्चों को बुला के फिर बेटू का केक कटवाएंगे। मम्मी बोली मेरी दित्य आई है, मेरी परी आई है, तो उसका बर्थडे हम ऐसे ही नहीं मनाएंगे, हम बच्चों को बुलाएंगे। मैं कह रहे तो यार घर में केक काट लेंगे, क्या जरूरत है बुलाने के लिए। मम्मी बोली ना सबको बुला के लाएंगे, तो बेटू का बर्थडे केक कटेगा, फिर प्यार सारे बच्चे आएंगे, सारे बच्चों के साथ केक कटेगा, छोटा सा बर्थडे सेलिब्रेशन बच्चों बच्चों का। तो मम्मी पड़ोस में कहने गई हैं सारे बच्चों बच्चों को। और सबसे अच्छी बात, मेरी बेटी की पहली नवरात्र है ये, मेरी बेटी की पहली पिन्नी भी बेटी ने खा ली मेरी, चखा दिया, मतलब हमने उसको माता रानी का प्रसाद थोड़ा सा, और पहली कन्या भी होंगी हमारी बेटू की, अपनी नानी की आई, मतलब आई एम सो हैप्पी, टच वुड, सब कुछ बहुत अच्छा हो रहा है माता रानी की कृपा से। और बेटू को भी मैं तैयार नहीं किया है, वो भी मुझे करना है, अभी उनके बर्थडे का फोटोशूट भी करना है, वो भी आप देखोगे आगे। और इनके पापा गए हैं, मम्मी कल ऑर्डर दी आई थी केक,
टेम्पटेशन से बहुत ही प्यारा हमने क्वार्टर केक बनवाया है बेटू का, और देखना अभी आप आएगा आगे वीडियो में। और क्या क्या बोलूँ, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। ओ गॉड, आई एम सुपर डुपर एक्साइटेड फॉर टुडे एंड और क्या क्या होने वाला है आज। चलो यार देखते हैं आगे ब्लॉग में, ठीक है। आज मेरे बेटू को बेटू के पापा ने नहलाया, बेटू के पापा ने हन्नी हन्नी कराई। पापा बोले भैया अपने बेटू को तो मैं नहलाऊंगा, भैया मैं नहलाऊंगा अपने बेटू को तो, हाँ अपने बेटू को तो मैं नहलाऊंगा, पापा ने कही। मेरे बेटू का केक आ गया, इतना बड़ा केक मंगवाया, देखिए तो 2 पाउंड का। ये तो गुस्सा कर रहे थे, कितना बड़ा केक बुलवा दिया, इतना बड़े केक की क्या जरूरत थी। मुझे भी लग रहा था यार 2 पाउंड बहुत ज्यादा हो गया, हम लोग हैं कितने लोग। सही तो है, और तूने बताया भी था उसे, बिल्कुल वैसे ही बनाया जैसे मैंने कही थी। फ्रीजर में रख के, वैसे ही बता, फ्रीजर में रख दो, फ्रीजर ये निकाल के चला, बिल्कुल वैसे ही बना, बंद कर लो, बंद कर लो। सो हम लोग लंच करके सो गए थे, और अभी बज रहा है पूरे 4:15, और सो के उठ गए हम लोग। मैं तो प्यार भी हो गई, मतलब ऐसे बाल मेरे से काट लिया मैंने, मेरे बाल खराब हो गए थे। बीटू के बर्थडे शूट की तैयारी चल रही है, वो सो रही है आराम से, पापा उनके 3 बना रहे हैं, जैसे ये 3 बन जाएगा फिर हम बीटू का शूट करेंगे, क्योंकि वो सोते हुए उनके शूट अच्छे से जाते हैं, वरना जगते हुए वो कभी हाथ चलाती है, पैर चलाती हैं, सब खराब कर देती हैं। तो इस वजह से अभी बस ये सो गई हैं, और इन फिर हम शूट करेंगे, और फिर मैं आपको दिखाऊंगी। इनका 3 बन गया है, अब जा रहे हैं जाके 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 जाके, तो बस हो गया। अपनी रील्स बना लूँ, अपनी रील्स बना के देन फिर हम इनका केक कटिंग करेंगे फटाफट से, क्योंकि मुझे मेरे हबी को अभी एक जगह जाना भी है, इसलिए हम लोग थोड़ा जल्दी से पता सेलिब्रेट कर देंगे इनका, ज्यादा टाइम नहीं लगाएंगे। सो ये है मेरे बेटू का केक, 3 मंथ्स। Look at this, ये कैंडल्स बेटू के मामा लाए हैं, कितने क्यूट सी लग रही हैं स्टार कैंडल्स। हैप्पी क्वार्टर बर्थडे, हाँ बहुत सुंदर बेटू के मामू। ये अभी आधे गेस्ट आए हैं, अभी आधे नहीं आए हैं। सो अब जा रहा है बेटू का केक कटिंग होने के लिए, बेटू के सारे फ्रेंड जो मामा ने बुलाए थे सब आ चुके हैं, 2 को छोड़ गए बच्चे पढ़ने के लिए। ये मेरी बेटू एकदम फुल्ली तैयार हो गई हैं। अच्छा इनका हेयर बैंड निकला जा रहा है, बिकॉज छोटी बहुत है बेचारी। अरे यार हम भी आएंगे, रुक जाओ। चलो गाइस मैं भी जा रही हूँ,
क्या हो गया? अरे बहुत लेट कर दिया यार, सात बजे पहुँचेंगे रात में किसी के। हे गाइस, सो मैं अपने हबी के साथ गई हुई थी दो जगह पे, मतलब हमारे जाने वाले जो हैं उनके घर पे, उनसे मिलने के लिए, क्योंकि मुरादाबाद में मेरे हबी ने बीटेक किया हुआ है ना, तो इनके जाने वाले बहुत हैं यहाँ पे, तो दो के घर हम होके आए हैं अभी। हाँ, तो उनके घर होके आए हम, प्लस अभी हम जा रहे हैं शॉपिंग पे, मार्केट। मेरी मम्मा ने बोला है मेरे हबी को, देख लो। वैसे मुझे तो बस एक ही शॉप समझ में आती है और मुझे कुछ समझ में नहीं आता है, तो अब हम देख लो। तो फिर हम आए हैं मार्केट, ऐसे मेरे हबी का बर्थडे आ रहा है, तो मेरी मम्मा ने बोला है आपकी पसंद से कपड़े ले आओ, लेकिन फिर तुम आओगे नहीं अभी, तो मेरी मम्मा ने बोला है हबी को शॉपिंग करने के लिए, तो हम लोग अपने हबी के लिए शॉपिंग करने आए हैं। रात के 11:30 बज रहे गाइस, और हाँ हाँ बस रात के 11:30 बज रहा है और हम लोग बस अब सोने जा रहे हैं, बहुत थक गए। बेटू का बर्थडे भी हो गया, पिन्नी भी हो गई, मार्केटिंग भी हो गई, शॉपिंग भी कर ली हबी के लिए, और इनके घर जाना था उनसे जाके मिल भी लिए, दो लोगों के घर गए थे हम, और प्लस एक मैम इनकी रास्ते में मिल गई थी हमें, तो वो मैम मुझे पहचान के बोल रही थी कि ज्योति की फेसबुक पर वीडियोज़ वगैरह देखती रहती हूँ मैं, और मतलब ठीक है, बहुत अच्छा लगा सबसे मिल गया आज, और बहुत अच्छी अच्छी तारीफ हुई मेरी। और एक के घर हम गए थे, हमारे सर हैं वो, मतलब इनके सर हैं वो, सर थे मतलब, और मैं भी इनके थ्रू जानती हूँ उनको, बहुत ही अच्छे इंसान थे, बहुत ही अच्छे और बहुत ही फिट एंड फाइन, और वो अब इस दुनिया में नहीं रहे हैं। 6 February 2022 अभी फरवरी में उनका देहांत हो गया, तो हम उनके घर गए थे, वहाँ तो जाने की मेरी हिम्मत ही नहीं होती, क्योंकि वो बहुत ही अच्छे थे, बहुत ही ज़्यादा अच्छे, तो मेरा मन नहीं था उनके घर जाने का, क्योंकि तब मुझे लग रहा था कि मैं कैसे देख पाऊँगी उनकी वाइफ को, बिकॉज़ मैं उनके घर पहले भी जा चुकी हूँ, और बहुत अच्छी हैं मैम और उनके बच्चे छोटे छोटे ही हैं, तो हिम्मत नहीं होती, बट हबी बोले नहीं चलो साथ में चलो, तो इस वजह से मैं उनके घर गई थी। गाइस मैं बता नहीं सकती हूँ, मतलब मैंने कितना कंट्रोल किया, लेकिन इसलिए वहाँ पे आंसू आ ही गए, क्योंकि बहुत ही बुरा लगा उनको लेकर, क्योंकि सर वाकई में बहुत अच्छे थे। समझ में नहीं आता अच्छे लोगों के साथ क्यों इतना बुरा होता है। मैं तो बस यही कहती हूँ अपने हस्बैंड से कि आज की डेट में अच्छा होना लाइक गुनाह करना है, आप जितने बुरे हो सकते हो उतना ही बुरा बनो, किसी की हेल्प मत करो, कोई फ़ायदा नहीं है। अगर आप हेल्प करते हो ना तो क्या होता है, भगवान जी को ऐसे हेल्पफुल लोग ज़्यादा अच्छे लगते हैं, तो मुझे मैं तो कहती हूँ भगवान जी किसी की हेल्प ही ना करो, सबसे बेस्ट यही है, बुरे बन के रहो, कोई फ़ायदा नहीं है, दुनिया वालों की हेल्प करते रहो, और अपने परिवार को जब आपकी ज़रूरत होती है उस वक्त आप उनका साथ छोड़ दो, तो इस बात से क्या सेंस बनता है। छोटे छोटे बच्चे हैं उनके, बताइए, अभी 12th कराया बेटे ने और बेटी अभी सिर्फ 10th में है, तो उसके साथ उनके साथ ऐसा हो गया। वेल भगवान जी, सब लोग कहते हैं आप जो करते हो अच्छे के लिए करते हो, बट मुझे समझ में नहीं आता इस केस में कि क्या अच्छा है, सीरियसली। एनीवेज गाइज, सो बेटे का बर्थडे बहुत अच्छा हो गया गाइज, बहुत ज़्यादा अच्छा, बहुत ज़्यादा अच्छा इनफेक्ट, और बेटों को बहुत सारा कैश मिला, कैश और ये दो प्रेजेंट्स, तो भाई मैं खोल लग रहा, ये दो प्रेजेंट्स मिले हैं बेटों को, और बाकी बहुत सारा कैश, तो बहुत सारा कैश और दो प्रेजेंट्स मिले हैं, और बच्चे लोग बहुत खुश हो गए थे, क्योंकि हम लोग उनके लिए क्रैक्स, टॉफी, जैम्स, केक और सोया, ये सब कुछ, बिस्किट, नमकीन, अच्छा, हार्ट, लव हार्ट, इसके मेरे बेटों को ये मिला है, इनके साथ देखो ये, तो इतने सारे हुए हैं ना इनके पास, इतने सारे हो गए कि मैं सच्ची बता रही हूँ, मैं दुकान लगा लूँ, क्या करूँ, चल रहे ना। आज का ब्लॉग यहीं फिनिश कर रही हूँ, आपको आज का ब्लॉग कैसा लगा प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताना, और अगर आप YouTube चैनल पे नए आए हो, मेरे को फर्स्ट टाइम देख रहे हो, तो अब पुराने भी हो लेकिन अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ये मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है, मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, आपको बहुत सारी रील्स देखने को मिलेंगी वहाँ पे, और ऐसे ही बहुत सारा प्यार देते रहिए, सपोर्ट करते रहिए, और डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल गाइस, एंड प्लीज़ लाइक शेयर जरूर कीजिएगा मेरी बेटी की इस बर्थडे सेलिब्रेशन की वीडियो को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस, बहुत सारे प्यारे प्यारे ब्लॉग्स आने वाले हैं, बहुत सारे प्यारे प्यारे वीडियोज़ आने वाली हैं, चैनल पर बने रहिएगा, ऐसे प्यार देते रहिएगा, सपोर्ट करते रहिएगा, जो है जैसा है एकदम रियल है, बिल्कुल आपके सामने वैसा ही है जैसा मेरी लाइफ है एक्चुअल, सो या आई होप आप अगर मुझे देख रहे हो कंटिन्यू, तो आप लोग समझ चुके होंगे कि मैं कुछ भी ऐसा फेक नहीं करती हूँ, जो है वो बहुत रियल है, तो अगर आप रियलिस्टिक पे बिलीव करते हो और रियल ब्लॉग्स ही देखना चाहते हो, डेली ब्लॉग्स, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।